तो आज का ये वीडियो एक चिट चैट वीडियो है और मेरे दिमाग में एक सवाल है जो हमेशा आता रहता है और टाइम टू टाइम मैं खुद से वो सवाल पूछती रहती हूँ और आज इस वीडियो के द्वारा मैं वही सवाल आप सब लोगों से भी पूछना चाहती हूँ। आप सब लोगों के लिए हेल्दी होने का मतलब क्या है? क्या बस बीमारियों का ना होना आपके लिए हेल्दी होना है? क्या हेल्दी होना बॉडी बनाना है, पतला होना है, सुंदर दिखना है या फिर कुछ और? क्योंकि जब आप और मैं इस बात का जवाब खुद के साथ क्लियर कर लेंगे, हम तभी ये सोच पाएंगे कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर हमें खुद को कैसे बेहतर बनाना है, खुद को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ये हम तभी तय कर पाएंगे जब हमारा गोल क्लियर होगा। मेरे लिए हेल्दी होने का मतलब सबसे पहले यही है कि मुझे कोई बीमारी या तकलीफ ना हो, पर इतना ही नहीं, मेरे अंदर खूब एनर्जी हो, मैं जब चाहे नाच पाऊँ, कूद पाऊँ, मेरा दिमाग अच्छे से चले, कंसंट्रेशन हो, फोकस हो, ये सब भी मेरे लिए हेल्दी होना है। साथ ही साथ मेरा खुद पे कितना कंट्रोल है, मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूँ नई नई चीज़ें ट्राई करने में, अपने काम को कितने अच्छे से करती हूँ, ये भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है वो ये है कि मैं अंदर से कितनी शांत हूँ, कितनी खुश हूँ, बिना कोई स्ट्रेस, गुस्सा, जेलसी या इनसिक्योरिटी के रहूँ, ये भी मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, कितने खुश हैं, इस चीज़ को वो हेल्थ में गिनते ही नहीं है। पर अगर मेरा मन अच्छा नहीं है, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, गुस्सा रहती हूँ, तो मैं कैसे ना कैसे करके बीमार बन ही जाऊँगी। मैं अपनी लाइफ अच्छे से तो नहीं जी रही हूँ, मुझे बीमार होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, ये साइंस है। आपको इंटरनेट पे ऐसी कई सारी स्टडीज और रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आपका स्ट्रेस, आपका एंगर, आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो आपकी बॉडी और आपके माइंड दोनों को बीमार बना सकता है। और कैसे जो आजकल हमारे आसपास बीमारियां हो रही हैं, जो हमें सुनाई दे रही हैं, वो सब इन्हीं वजहों से होती हैं। तो हेल्दी होने का मतलब मेरे लिए सिर्फ बीमारियों का ना होना और फिजिकली फिट होना नहीं है। मेरे लिए हेल्दी होना मेरी खुशी, मेरा खुद पे हंस पाना, किसी दूसरे को खुद से कम या छोटा ना समझना, किसी को भी धर्म, जाति या रंग के हिसाब से अलग ना देखना और दूसरों की खुशी में खुश होना भी है। आपको पता है अगर कोई मुझे कुछ बुरा कहता है या मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, तो मेरे लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं उस इंसान के बारे में कुछ भी बुरा ना सोचूं। और ऐसा मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं वो कोई महान हूँ या मैं बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ, ये मैं खुद के लिए ही करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कोई मुझे कुछ भी कहे, कोई मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे, मेरा मन कैसा है, मैं अंदर से कैसा फील करना चाहती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है। तो जो दूसरा इंसान था, उसने जो बोलना था, करना था, वो कर दिया है। और अब आप अपने मन को कैसा रखते हो, अपने जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको बिगाड़ देते हो या वैसा ही बना हुआ रखते हो, वो आपके हाथ में ही है। और क्योंकि मुझे अच्छे से जीना है, मुझे हमेशा खुश रहना है, तो मैं उसको, उस एनवायरनमेंट को नहीं चाहती कि कोई भंग करे। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा 100% सक्सेसफुल रहती हूँ सब करने में, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है, पर मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ और वही बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, जैसे जैसे मेरी एज होती जा रही है, मुझे ये समझ आ चुका है कि मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरी अच्छी लाइफ, मेरी ख़राब लाइफ, सबके लिए ज़िम्मेदार बस मैं ही हूँ। मैं अपने अंदर से कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रही हूँ, कितने बेहतर बनती जा रही हूँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ अच्छी होगी। और इस लाइफ को हंसते खेलते, खुशी खुशी, एक एक पल को इंजॉय करते हुए मुझे जाना है, और वही मेरे लिए हेल्थ है। आप क्या कहते हो?